to my channel Homemaker Beauty and Fitness. तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक दो ऐसे हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क फॉर विंटर सीजन, जिससे कि आप सबको पता है कि अभी विंटर सीजन चल रहे हैं और विंटर सीजन में हमारे बाल बहुत ही ड्राई और रफ होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन होती है, तो हमारे बालों को भी खास देखभाल की ज़रूरत होती है. तो उनको भी एक अच्छा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग मास्क जो कि हमारे बालों को फिर से जान ला सके, तो ऐसे ही दो मास्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे फेवरेट हैं. अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना. तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो हम चलिए फर्स्ट मास्क हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए. तो हमको चाहिए हनी या एक चम्मच, एलोवेरा जेल दो चम्मच, और चाहिए एक बनाना. अगर आपके बाल बहुत ही लंबे हो तो आप दो भी बनाना ले सकते हो. अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप लीफी यूज़ कर सकते हो, उसका जेल निकाल सकते हो, और कोकोनट ऑयल. ये चार चीज़ें हमको चाहिए हमारा मास्क बनाने में. तो चलिए देखते हैं कि हम ये मास्क कैसे बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं, पहले हमको ले लिए बनाना और एक चम्मच हनी और एलोवेरा जेल. हमको लेना है एक चम्मच कोकोनट ऑयल. तो हमारे इसी में पीसना है, उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है लेगा. तो हमको ये पेस्ट हमको धुले हुए बालों पर लगाना है. याद रखें कि गंदे बालों पर नहीं लगाना है, आपके बाल धुले होना ज़रूरी है. तो ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग मास्क है. इसको आपको कम से कम आधा से पौन घंटा अपने बालों पर रखना है. आप एक घंटा भी रख सकते हो, पर पौन घंटा रखोगी तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. और ये ये इसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस ऐसा मास्क है. हमारे बालों में जो भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है पूरा फुलफिल करता है, जैसे कि कैरेटिन सभी. तो बहुत अच्छा लगते हैं कि हमको क्या चाहिए. हमको चाहिए अंडे, हनी और एलोवेरा जेल. तो हमको इसमें थ्री इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए. तो हमको लेना है अंडे, और हमको अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लेना है, वाइट पार्ट लेना है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है. हनी लेना है जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है हमारे बालों के लिए. और एलोवेरा जेल भी आपको पता है कि उसमें बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि उसमें अच्छे फैटी एसिड होते हैं. ठीक है, उसमें बहुत ही हमारे बालों को जो इन्फ्लेमेशन होता है, डैंड्रफ होता है, इचिंग होती है, उसको वो बिल्कुल ही काम डाउन कर देता है. तो हमको ये थ्री इंग्रेडिएंट्स लेना है हमारी सेकंड हेयर मास्क के लिए. तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है. अंडे की सफ़ेदी एक आपके हिसाब से लो, एक या दो आप ले सकते हो. ठीक है, पहले हमने अंडे की सभी उसमें डाला, हमने एक चम्मच हनी और उसे अच्छे से मिक्स किया हनी के साथ. अब हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल, उसमें डालिए एक से दो चम्मच एलोवेरा जेल और अच्छे से मिक्स कीजिए तीनों को भी. अगर आप ऐसे अच्छे से फेंट पाते हो चम्मच से तो ठीक है, नहीं तो आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो. अगर मिक्सी में पीस सकते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली ग्राइंड होता है और हमारे बालों को इवनली स्प्रेड होने में बहुत मदद करता है. तो आप इस तरह से ये थ्री इंग्रेडिएंट्स डाल के अपना मास्क तैयार कर सकते हो, और ये बालों के लिए बहुत अच्छा है. आपको पता है अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, कैरेटिन प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही शाइन देने के लिए और बालों की स्मूथनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है. और हनी भी हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती है, और एलोवेरा जेल तो आपको पता है आजकल तो हर ब्यूटी प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल मिल रही है. ये मिक्सी में पीस लिया है ये हेयर मास्क जो कि हमारे थ्री इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. तो इस तरह से वो दिखता है, इस तरह से वो मास्क दिखता है. तो आप ये पेस्ट भी आपको धुले हुए बाल पर साफ बालों पर लगाना है कम से कम आधा या पौन घंटे के लिए. आप इसको रखना है,
फिर आप अपने शैम्पू से अपने बाल धो सकते हो। आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो उससे आप अपना बाल धो सकते हो, और उसके आप बाद देखेंगे रिजल्ट, आपके बाल बिल्कुल शाइनी, सॉफ्ट और बिल्कुल आपके विंटर के लिए तो तैयारी हो जाएंगे। तो ये मास्क आप 8 या 15 दिन में एक बार लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मास्क आप लगा सकते हो और विंटर में अपनी खूबसूरत से बाल बाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।